वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू माय स्वीट यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर फाइन। और सभी अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। भाई जो भी मेरी इस वीडियो पर नया, सबसे पहले जाके वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और भाई अकेले देख के क्या मिलता है आप सबको, जाके वीडियो को शेयर भी कर दें अपने पार्टनर के साथ। आजकल कौन सिंगल रहता है भाई, अपने पार्टनर के साथ जाके शेयर भी कर दें। बहुत टाइम से सोच रहा था कि सुबह मॉर्निंग साइकिल राइड पर जाऊँ, पर लेकिन जो मेरी नींद नहीं खुल पा रही थी, जो मेरा शेड्यूल है जब से मैं ट्रक चला रहा हूँ तब से बहुत अनकॉन्शियस हो गया है। कोई रूटीन नहीं है मेरी लाइफ में, कभी रात को थकान हो जाती तो सो जाता हूँ, फिर सुबह नींद नहीं खुलती। आज जो है मैं फाइनली उठ चुका हूँ। मैं पता है अलार्म कैसे लगाता हूँ, पहले 4 बजे का, फिर उसके बाद 4:10, 4:20, ऐसे ही मेरा 4 बजे से 5 बजे तक अलार्म बजते रहते हैं। पर लेकिन आज जो है फाइनली मैं उठ गया हूँ, पहले अलार्म पे मैं 4 बजे उठ गया था। उसके बाद से जो मैं अभी तक उठा हुआ हूँ, क्योंकि बाहर से बहुत अंधेरा हो रहा था, अगर मैं दोबारा सो जाता तो फिर मेरी नींद नहीं खुलती। कि भाई मैंने सोची थी कि थोड़ी उजाला हो जाकर तब जाऊँगा, क्योंकि मेरी जो साइकिल में वो लाइट नहीं है, अगर मेरे से कोई ठूक जाता तो खाली सीन क्रिएट हो जाता एक बेकार सा। अब चलो हम दिखाते हैं आपको अपनी साइकिल। यह सबसे पहले तो भाई अपनी एक स्कूटी, यह कार, उसके बाद दिखाते हैं हम आपको अपनी साइकिल। इसका एक वॉक अराउंड दिखाते हैं। यह भाई मैंने जो इसको अपनी ट्रक पर लगाया हुआ है, क्योंकि जिसका स्टैंड है वो टूट गया है। और यह बगल में अपनी रानी, यह गाइस अपनी रानी। बहुत जल्दी आपको उसके ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और मेरे पास एक सुपर बाइक है, उसके भी आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे कुछ टाइम में। यह अपनी बाई साइकिल, और यह बगल में खड़ा अपना मिनी ट्रक, और ये अपनी वैन। हमने जो है ले ली अपनी बाइसाइकिल और चलते हैं हम इसकी राइड पे। गाइस मैंने जो है ना अप्रॉक्स 10 किलोमीटर का रन पूरा कंप्लीट कर लिया। मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं इससे आगे नहीं जाने वाला, थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करूँगा। उसके बाद जो है मैंने आज ट्रक चलाने भी जाना है, तो बस अब आज का जो रूट है बस यहीं पर अपना रन यहीं पर ख़त्म करते हैं। और भाई अपने पीछे अपनी बाइसाइकिल है, मैंने इसको यहाँ पर खड़ा किया गया, क्योंकि जो उसको खड़ा करने वाला है वो गिर गया है। अरे भाई स्टैंड टूट गया है खड़ा करने वाला। गाइस जहाँ पर को मैं रुका हुआ उसके 100 मीटर आगे मैं थोड़ा एक प्यारा सा मंदिर, उसका व्यू मैं आप सबको दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं भी यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ। शायद मैंने पहले भी वीडियो में एक बारी वो मंदिर दिखा रखा है, जिस मंदिर का नाम है श्री चारधाम मंदिर। अभी मैं दोबारा आपको उसका पूरा व्यू एक अच्छे से दिखाऊंगा। वहाँ पर जो है ना भाई, हम जो भी मांगते हैं, हमारी जो भी विशेस रहती हैं, अगर हम उस मंदिर में गए और हमने वो विश मांगी तो वो ज़रूर हमारी पूरी होती है। इस मंदिर की श्रद्धा। गाइस जो भी मेरी इस वीडियो को हल्द्वानी या उत्तराखंड के बाहर से देख रहा हो, वो ज़रूर आके जब भी यहाँ आए उत्तराखंड के अंदर, ज़रूर एक बार इस मंदिर में विज़िट करें। काफ़ी अच्छा मंदिर है ये चारधाम मंदिर के, जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आगे जाके लगभग 5 या 6 किलोमीटर जाके एक दराती मंदिर आता है, वो काफ़ी जंगल के अंदर है। वो दराती मंदिर का नाम दराती मंदिर इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ एक बहुत लंबा सा पेड़ है, उसमें जो है पूरे ऊपर तक दरातियाँ ही दरातियाँ डाल रखी है। और हम दराती इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि हमारे घरों में जो गाय या भैंस है उन सबका उनका बच्चा हो जाता है, उसके बाद हम वहाँ दराती और दूध चढ़ाते हैं। और हाँ गाइस, दराती चढ़ाने के साथ साथ हम जो है वहाँ उस गाय या भैंस का दूध ले जाके वहाँ खीर भी बनाते हैं। और जो भी वहाँ लोग आए रहते हैं जंगल में घास वास लेने, उन सब के लिए वो खीर बनाते हैं और उन सबको खिलाते हैं। और उस मंदिर में भी हम थोड़ी बहुत खीर चढ़ाते हैं। गाइस मैं चले गया हूँ मंदिर की तरफ, अब आपको जाके वहाँ दिखाते हैं पूरा मंदिर का व्यू। मैं सिर्फ बाहर से ही दिखा पाऊंगा आपको मंदिर का व्यू, क्योंकि मेरे को मंदिर के अंदर जाना नहीं है। गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर पे, ये है मंदिर के बाहर का व्यू। अब चलते हैं इसके थोड़ा अंदर। ये जो है इस मंदिर की एंट्री है, ये सब इसकी पार्किंग है, ये पूरी इसकी पार्किंग है। और इसके बगल में इसका ग्राउंड है, वहाँ भी हम पार्किंग कर सकते हैं कभी, जब यहाँ शिवरात्रि या जो भी मेला टाइप का लगता है उसमें हम वहाँ भी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, वहाँ भी मेला लगता है। ये इस मंदिर की एंट्री, यहाँ से ये सारे मंदिर। और यहाँ पर जो है पानी का टैंक है, ये देखिए। और यहाँ पर जो है बैठने का भी हमारी वर्तमान ग्राम प्रधान रितु जोशी जी द्वारा सप्रेम भेंट दिया गया है। ये काफ़ी एक हर्ष की बात है हम सबके लिए, उनका जो लगाव है इस मंदिर के प्रति वो काफ़ी
अच्छा है, और इसके अंदर भी एक सीट लगी हुई है बैठने के लिए। तो गाइस मैं इस मंदिर के अंदर जा तो नहीं सकता पर, लेकिन आपको बाहर से यहाँ का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। गाइस मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी मेरी इस वीडियो को हल्द्वानी, नैनीताल या उत्तराखंड के बाहर से देख रहा हो, इस मंदिर में जरूर विजिट करें। गाइस मैं आ चुका हूँ मंदिर से बाहर, अभी भी आपको बैकग्राउंड में मंदिर के भजन की आवाज़ आ रही होगी। आपको मंदिर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। गाइस मैं जो हूँ फाइनली पहुँच चुका हूँ घर। अभी मैंने आपको इस क्लिप में बताया था कि मेरे पास एक सुपर बाइक है, मैं उसको थोड़ा सही करना है। उसको सही करने के बाद मेरी जो सारे ब्लॉग्स हैं आपको उसी सुपर बाइक पे देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ तो अंदरों को देखता हूँ कुछ खाने पीने का मिलता है तो। और ये है हमारी आमा। आमा अपने बच्चों को हाय कर दो। हाय हेलो। मेरी मम्मी, हेलो करो मम्मी इनको। और ये है भावना। गाइस मैंने अभी मम्मी से बोला कि अपने बच्चों को हाय कर दे, तो मम्मी बोली किसको करना है हाय। उन्होंने जो पहाड़ी में टोन में बोला वो बोला काका करंचु हाय। मैंने कहा कि अपने बच्चों को हाय करना है, उसके बाद मैंने इनको समझाया। तो गाइस मैं आज के इस अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ, बहुत जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।